रुकी है, ये चिताब नहीं जलेगी। पुलिस केस है, आप लोग जरा इससे दूर हो जाएं। अब आप लोग घर जाइए। रूप तुम्हारे और रविकांत के बीच में बहुत बुरी पिस चुकी हूँ, अब तो निकलने का भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। चल जल्दी निकालता हूँ तुझे इस नरक से बाहर। चलो जाओ। अरे अरे आओ भाई, ऊपर क्यों खड़ी हो? ये क्या हो गया? मरवाई की ये लड़की, कहीं अपने पाप को ना बता दे। क्या करूं अब? मम्मी, आदमी कौन था? वो आदमी पापा के डॉक्टर थे। मम्मी आपने दारू पी है? चुपचाप रहो, अपने स्कूल ट्यूशन पे ध्यान दो, फालतू बात पर नहीं। चलो इधर। पापा! पापा! क्या है? जब कह रखा है पापा बीमार है, एक बार में समझ में नहीं आता तुमको? जब देखो तब पापा पापा पापा, आज के बाद सुन लो। चल मुंह हाथ धो। मम्मी आपने पापा को क्या किया है? किसी दिन ना चाकू चला दूंगी तेरी जुबान पे, बहुत बोलती है तू। मम्मी कुछ खाने के लिए भी मिला? चल खाना देती हूँ तेरे को। चल शिखा, मौसी का दिया हुआ खाना देख के खाया करो, उनका कोई भरोसा नहीं, जहर भी दे सकती है। ठीक है भैया। मौसी है ना, फिर से एक आदमी से मिली थी, ताल लगा के पापा से मिलती हूँ। बाप की तरह इनका भी कुछ सोचना पड़ेगा। आजा सुजीत खेलते हैं। अबे रुक, लीला का अपना बेटा है ये? ना ना, मौसी है इसकी, पर अब माँ भी वही है। ओए इधर आ साला कड़ू। अबे अबे पिंटू, पकड़ पकड़ साले को, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं। साला रामी की औलाद। हे भगवान, क्या हुआ पिंटू भाई? सुखा बता रहा है, कांड हो गया कुछ? हाँ, एक छोटे से बच्चे के साथ लफड़ा हो गया। आकाश कहाँ है? आकाश ढूंढ रहा है अभी भी। यार तुम दोनों घर जाओ, मैं खुद देख लूंगा। जाएं? हाँ चल फिर, ठीक है। ठीक है भाई। अरे तो यहाँ क्या कर रहा है पागल आदमी? तुमसे मिलने का मन था और प्यार का इरादा भी। तो मैंने बोला था ना मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा
अरे पड़ोसी देख लेंगे ना हमें यहाँ पे, फिर दिक्कत हो जाएगी, तो जाए यहाँ से। फिलहाल तो कौन देख रहा है, कोई नहीं। बेवकूफ इंसान, सुजीत के पापा उठने वाले हैं। मरवाएगा क्या? क्यों, तूने तेरे पति और बच्चे को नींद की गोली दी क्या? दी है, मगर नींद की गोली और वो गोलियां दोनों ही खत्म हो चुकी हैं। मेरी बीवी होती ना ऐसी तो जान ले लेता। पड़ोसी देख लेंगे, मुसीबत हो जाएगी, अब तू जा यहाँ से, मैं खुद ही आ जाऊँ। क्या मुसीबत हो जाएगी? हाँ ठीक है ओके, जा रहा हूँ, याद रखना 10 मिनट बाद रेडी होके। हाँ बाबा आ जाऊंगी, तू जा यहाँ से। पक्का? हाँ पक्का, जा। मैं इंतजार करूंगा। उठ बल्लेबाज। उठ गया, इधर देख मेरी आंखों में, मारेगा? नहीं छोड़ूंगा, पहले नहीं सोचा? छोड़ दूं? सामने देख, कल छोड़ दूं। पिल्ले यही आते हैं ना, इन्हीं हाथों से मारा है ना। इन्हीं हाथों से, इधर देख मेरी आंखों में देख, मारेगा? नहीं अंकल, मारने से पहले नहीं सोचा? सॉरी अंकल, छोड़ दूं? ओहो, तुझे छोड़ने के लिए लाया हूं यहां पे। गलती हो गई। अब वाह, तुझे अपनी गलती का एहसास? वाह, ए ए ए, सो गया साला, बेहोश हो गया। चल अब तो आराम कर ले, अभी कोई खास आने वाला है मेरे पास। कहाँ रह गई है? अरे आप यहाँ, मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। क्यों, कोई शरीफ होता तो ऐसे ही बोलता ना। इन सब बातों को छोड़, मैं जिस चीज के लिए आई हूँ मुझे वो करने दे। बड़ी मिट्टी हो, बड़ी मिट्टी है तू, बड़ी मिट्टी है। इधर कोई है? हाँ। उधर कोई नहीं है यार, कोई नहीं है वहाँ। देखूं? देखती हूँ। कहाँ जा रही है? सुन पिंटू, ये यहाँ क्या कर रहा है? सुन, ये तुमने क्या कर दिया? मैं सब बताता हूँ, मैं बताता हूँ क्या कर रहा है। मैं सब समझाता हूँ, एक मिनट, मैं समझाता हूँ, मेरी बात सुन ले, मैं एक बार बैठ, मैं सब समझाता हूँ। ये सब क्या चल रहा है पिंटू? ये देख, अभी भी दर्द हो रहा है। तुझे ना सिर्फ अपनी पड़ी है, मैं उसको सिर्फ यहाँ समझाने के लिए लाया था। मुझे क्या पता तू देख लेगी तो इतना बड़ा पंगा खड़ा हो जाएगा। पर अब क्या करें इसका? क्या करना है, रास्ते से हटा देते हैं, हो गया। और कोई रास्ता है तेरे पास? और वैसे भी तू भी तो यही चाहती है, तू तेरे बच्चे तेरे पति सब समझ लिया ना? बेवकूफ आदमी, वैसे ही मेरी जिंदगी कम नरक बनी है क्या, जो तू ऐसा करके और बनाना चाहता है? तो और क्या करूं मैं, बता। देख रास्ते से नहीं हटाया ना, मुझे नहीं लगता कुछ और हो पाएगा। या फिर एक काम कर सकते हैं, इसकी अच्छे से पिटाई करता हूँ। पिटाई? और क्या, तू बता दे कब से पूछ रहा हूँ। देख अगर तेरे अकॉर्डिंग चलना है ना तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ना मेरी जान। कैसा टाइम? तू यार क्यों इतना परेशान होती है, इधर आ। अरे बेवकूफ आदमी, ऐसे नहीं, पूरी प्लानिंग के साथ, मैं किसी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती। नहीं पड़ेगी, किसी पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ेगी यार तू, मैं हूं ना, सब कुछ खुद संभाल लूंगा, सब मैं देख लूंगा। तेरा मूड बनाता हूँ यार, तू बहुत परेशान होती है, खुद भी होती है, मुझे भी करती है। यार वो तेरे पास से छूटेगा सुजीत, वो सबको बता देगा बाहर जाके। मेरा भरोसा कर, कुछ नहीं बताएगा, मैं हूँ ना,
पक्का नहीं बताएगा ना? कुछ नहीं बताएगा, किसी को कुछ नहीं बताएगा। तू क्यों परेशान होती है? चल मेरे साथ चल, तेरा मूड बनाता हूँ। हेलो सुखे, पेट्रोल पंप के सामने आ जा, पार्टी करेंगे। खुद तो मजे कर रहा है कमीना, और मुझे फंसा दिया इस झमेले में। कैसे भी करके मुझे सुजीत को यहाँ से निकालना ही होगा। अरे डाल भाई पिंटू थोड़ी देर। ठंड लग यार तू। चेयर्स। अरे आज कैसे पार्टी होगी? अबे टाइम देख क्या हो रहा है। अरे इतने की प्लान है ऐसे? कुछ प्लान है बताऊंगा बाद में। कहीं रविकांत जुट गए तो और मुसीबत हो जाएगी। लीला, लीला, सुजीत, सुजीत, सिखा, अच्छा अभी जी चलते हैं। अरे अबे दारू गिरा दी उसने। दारू पिंटू, पिंटू मौसी ने दारू गिरा दी। तूने दारू गिराई है? सचिन एक पैक और ले गया। ओके सर। मैडम जी के लिए। ले मेरे सामने 20 को। पूरा भी गई? तुम उसके बाप को नहीं जानते। वो तब तक ही अपाहिज है जब तक तुम्हारी वो दवाइयां दी जा रही है उन्हें। अरे भाभी जी हम तो अपने दोस्त को जानते हैं, ये सब ठीक कर देगा। चलो मूड खराब कर दिया। चलो भाई चलो। चलो बनता है तो मैं भी शामिल कर ले पिंटू। ओ मोसी आगे, मोसी अबे स्कूटर ला, स्कूटर ला। सचिन पकड़, अबे चल पीछा कर उसका। पकड़ इसे, पकड़ पकड़ सामने, पकड़ पकड़। पता था मुझे यही आएगी। स्वागत है, आइए। लॉन्ग ड्राइव पर खेलने जाता है हाँ? साथ चलेंगे, मजा करेंगे। तो वालदों में परेशान होती है। मैं सुजीत को कहीं ले जाने नहीं दूंगा तुझे। बाहर जाके तो सब बता देगा। और अब ना मुझे रविकांत से डर लगने लगा है, समझ गई? सुन तो निकल ले, सुजीत कहीं नहीं जाना। अब इनको क्या जवाब दूं? क्या या तो इसे उठा या घर जा। और रविकांत जी पूछेंगे? पूछेगा ही, चल तो सकता नहीं है वो। कोई नहीं, कोई बहाना बना दे। तेरे लिए बहाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, हर दिन तो बनाती है। पिंटू मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सुजीत को भी कुछ ना हो और वो तुम्हारी बात समझ भी जाए। बिल्कुल। अरे उठ गए आप, दवाई ली है आपने? पानी था इसमें? दवाई छोड़, कहाँ थी तू? मैं
ये सुजीत, सुजीत कहाँ है? बुलाओ उसको, पानी लेके आएगा। जी लाती हूँ पानी। पानी बुलाने से बुला, मालिश करेगा। जी वो जा बुला के ला। वो सुनाने तूने? वो है नहीं घर पे। घर पे नहीं है? कहाँ खेलने गया था क्या? जी गया तो था मगर अभी तक आया नहीं। उसी को देखने गई थी मैं अभी बाहर। इतनी रात को 10 बजे तक? मैं थोड़ा सा बीमार क्या हो गया, घर का माहौल ही बिगड़ गया। जी मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे वो फोन दे मेरा, इंस्पेक्टर चौहान को फोन करना है। हेलो चौहान साहब। जी रविकांत जी। जी वो मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। ठीक है मैं भेजता हूँ किसी को। ठीक है साहब। सर किसको भेजेंगे, स्टाफ की ड्यूटी तो चुनाव में लगी हुई है। ओ चलो मैं खुद ही देखता हूँ। देख जरा चौहान साहब आए होंगे। जी रविकांत जी अंदर ही हैं। पूरी बात बताइए, कब से नहीं लौटा? जी वो खेलने गया था। कहाँ पर? फैक्ट्री के पीछे जहाँ बच्चे खेलते हैं। उसके दोस्तों के नाम बताइए। यस सुधांशु, शांतनु, विवेक और प्रिंस। किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी? वैसे मेरी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है। एक किराएदार था पिंटू, कुछ किराए को लेकर उसे मैटर हुआ था, लेकिन वो तो तभी निपट गया था 2-3 साल पहले ही। बेटी के साथ जाता है खेलने? जी जाता है कभी कभी, बट आज ट्यूशन बंद था तो अकेले ही चला गया खेलने। एक बार बेटी को बुलाइए। जी मगर वो तो अभी सो रही है, थक गई है पूरा दिन खेल के और ट्यूशन जाके। चलो देखते हैं, रविकांत जी मिले तो बता देना। जी जी मैं बता दूंगी आपको, ये तो खामखा टेंशन ले रहे हैं। घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभी लेट कर देता है वो, इनको क्या पता, ये तो सोते रहते हैं। अच्छा रविकांत जी चलता हूँ। ठीक है जी सर, आप जाइए। कौन है बे? अरे सलाम साहब। पिंटू तेरा ही नाम है? जी साहब। ये रविकांत जी का बेटा गायब है, जानते हो उसके बारे में कुछ? नहीं साहब। ये क्या था, ये अंदर क्या हो रहा है? चिकन बना रहे हैं साहब, एक बिल्ली बहुत परेशान करी है साहब। गुड नाइट साहब। बच्चे को हटाना पड़ेगा यहाँ से। ये शहर हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। वो साला इंस्पेक्टर बहुत सनकी है, कभी भी आ सकता है। बहुत लो चाय भाई। तू या तो उसको इसके घर भेज या इसे ठिकाने लगा, वरना ऐसा कर कहीं दूर निकल जा, जेलेगी अपने आप। रविकांत और लीला वाला मामला निपटा कर ही जाऊंगा भाई। प्लान क्या है तेरा? प्लान तो मेरा बहुत बड़ा, बहुत बड़ा प्लान है। तब तक मुझे बस इस लड़के को ना यहीं फंसा के रखना है। उसके बाद जब बारिश की ढूंढ पड़ेगी, लीला खुद पे खुद दौड़ के मेरे पास आएगी। जैसा मैं कहूंगा ना, लीला फिर वैसे ही करेगी। अच्छा। उसके बाद मौका देखते ही लीला को टपका दूंगा। अगर इसने किसी को कुछ बता दिया तो? नहीं बताएगा।
ये उसकी मौत का इल्जाम भी तो लीला के सर पे जाना है। और फिर कुछ प्रॉब्लम हुई तो? यार इसको तू बोल यार, ये अपना मुंह बंद रखेगा, हमेशा नेगेटिव बोलता रहता है। ये चोर चल दी। जय हिंद सर। सर ये लीला के बैंक स्टेटमेंट और कॉल डिटेल्स। तुम नजर बना के रखो। के के ठीक से चेक करो, ठीक से गले पर निशान है। एक एक चीज नोट करो प्रताप, जेब चेक करो इसकी, देखो क्या मिलता है, और पहचान के लिए बुलाओ आसपास से किसी को। चौहान साहब, ये हमारा बेटा नहीं है। जानता हूँ, अरे इनको इधर बैठाओ। जी सर। सागर, अरे सागर। जैन सर, इनको तुम लेकर आए हो? इन्फॉर्मेशन मिली कि शायद सुजीत। किसने दी? मालूम नहीं, अननोन नंबर था सर। ये क्या हुलिया बना के रखते हो, सस्पेंड हो जाओगे किसी दिन। पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देना बॉडी को। ठीक है सर। तो लीला जी, जैसे कल रात आपने हमें भटकाने की कोशिश की, उससे तो सारा शक आप पर ही जाता है, किडनैपिंग का। क्या किडनैपिंग अपने बेटे की? बहन का बेटा है वो आपकी। अच्छा ये अजीब नहीं है कि आपकी फोन कॉल डिटेल बिल्कुल साफ सुथरी? पिछले 10 दिन से रविकांत की सिर्फ 2 ही कॉल आई है, अगर वो एक ही फोन है तो। चलिए जिसका भी हाथ है उस तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। फिलहाल किसी पर शक है आपको? अपने पति से अलग होकर कुछ बताना चाहोगी? मुझसे अलग जाकर जो बात करनी है कर लीजिए, पर मुझे मेरा बेटा चाहिए। चौहान साहब, मैंने रविकांत जी को कई बार सलामती से उठते बैठते देखा है, ये तो अपनी बीमारी का बहाना कर रहे हैं। मुझे तो लगता है मेरा बेटा सुजीत इन्हीं की वजह से गायब है। मेरा बेटा सुजीत कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? तुम अपनी बीमारी का ड्रामा मत करो, तुम्हें ना मेरा बेटा गायब किया है, मेरा बेटा वापस ला के दो। तेरा दिमाग खराब है? तुम झूठ बोल रहे हो। रविकांत जी, आपको मेरे साथ थाने चलना होगा। मुझे? जी हाँ आपको। सागर, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कोई ये चाहता है कि हम लीला पर कड़ी नजर रखें? खैर चलो देखते हैं। बता कहाँ छिपा रखा है सुजीत को? मुझे नहीं मालूम। तू ये बहाने बनाना बंद कर, तेरी ये नकली रिपोर्ट मेरे हाथ लग चुकी है। मैं ये पूरा केस सुलझा चुका हूँ। मैं मानता हूँ चौहान साहब, ये रिपोर्ट मेरी है, पर असली या नकली ये आपको लीला से ही पूछना पड़ेगा। अच्छा, इसका मतलब लीला भी तुम्हारे साथ शामिल है?
सुनो, इस रविकांत को और दो तीन दिन हिरासत में रखते हैं। जी सर। सागर। जी सर। तुम लीला पर कड़ी नजर रखो, मैं उस साले पिंटू को देखता हूँ। जी सर। अरे ये तो रविकांत जी की वाइफ लीला लग रही है ना। हाँ, लेकिन ये इस हरामी के साथ में क्या कर रही है? यही रखा है उसे। चल मिलाता हूँ तुझे, देख क्या कर रखा है इस हरामी पी लेना। तुझे बड़ा शौक है वहां बनने का, चल पहले से साफ कर और जल्दी कर, बहुत बदबू आ रही है। पानी दे। ले पानी पकड़। गिलास दे। वो तो डाले। तूने इसको इतना क्यों मारा है यार? देख इसकी हालत खराब कर दिया है तूने। मैं नहीं मारना चाहता था इसको यार, पर रविकांत का बेटा है, इतनी आसानी से थोड़े ही समझेगा। देख तो इसको बुखार भी है, इसको डॉक्टर के पास लेके जा। अगर इसको कुछ हो गया तो? अरे डॉक्टर मुन्ना उन्ना छोड़ और इधर आ मेरी बाहों में। अभी ये मौका मिला है तो प्यार कर लेते हैं। क्या इजाजत मिलेगी शरीफ आदमी को? रविकांत से मत बताना। ठीक है पापा, मैं पापा को बता दूंगा। लीला तू जरा घर जा, इसको मैं देखता हूँ। जा, तुझे मिलता हूँ बाद में। अरे इसको ना अच्छे से समझा दियो। हाँ मैं समझा रहा हूँ, प्यार समझा दूंगा। तू जा, तू घर जा। पापा को बताएगा? हाँ बताएगा पापा को, बोल पापा को। बताऊंगा। बोल बोल, समझ नहीं आता तेरे को, सामने देख, बाप को बताएगा अपने। पता करो ये एसओजी टीम कहां तक पहुंची। पिंटू को देखा है तुमने? साहब घर पे ही होगा। बताना यहाँ आए तो आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। पक्का? पक्का साहब। जल्दी करो, भाग ना पाए। लगता है भाग गया। सर कुछ नहीं मिला। मिलेगा कैसे, भाग गया साला। सर एक बार लीला को उठा लेते, दो डंडे लगते ही सब बता देगी। लीला सातिर है पर इतनी भी नहीं। अगर वो इतनी सातिर होती तो रविकांत को अभी तक रास्ते से हटा चुकी होती। बस एक पुख्ता सबूत मेरे हाथ लग जाए, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। चलो हेलो लीला। हाँ मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ बोल पिंटू। सुजीत की मौत हो चुकी है। क्या पिंटू, मुझे ये अंदाजा नहीं था कि सुजीत मर भी सकता है। ना हमारे बीच ये संबंध होते और ना मुझे उसे उठाना पड़ता और ना सुजीत की मौत होती। मैंने तेरा साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब मुझे अपनी गलती महसूस हो रही है।
मुझे पहले ही सबको सब कुछ बता देना चाहिए था, तो ऐसा नहीं होता। क्या क्या बोल रही है तू? तू सब बता देगी अपनी पति से? नीरा, अब ध्यान से सुन, जैसे मैंने बोला था बिल्कुल वैसे ही करना है, बिल्कुल वैसे ही, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लीला तू परेशान मत हो, मैं उसे आज के आज ही ठिकाने लगा देता हूं। हाँ पिंटू। लीला, सुजीत को ठिकाने लगा दिया है, अब तुझे प्लान बी पर काम करना है। क्या रविकांत जी की पत्नी मर चुकी है? ये रविकांत जी के कौन से रिश्तेदार हैं? इन्हें पहले कभी देखा नहीं। अरे इस चश्मे वाले को तो मैं भी जानता हूँ, इसको कई बार मैंने उस हरामी पिंटू के साथ में देखा है। सुहागन औरत थी, रीति रिवाज के हिसाब से कुछ तो करते, क्रियाकर्म तो ढंग से होना चाहिए था। लीला का मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही। सर एक इन्फॉर्मेशन देनी है, शमशान घाट में लीला की चिता जलने वाली है। अरे प्रताप, शर्मा जी को बोलो गाड़ी निकाले, चलो। ये चिता नहीं जलेगी। सुनो तो सर, एक मिनट रुकिए। साहब जिंदा लोगों को तो आप सुरक्षा दे नहीं पाते, और मरने के बाद आ जाते हैं इनकी तहकीकात करने। सर कम से कम क्रियाक्रम तो हो जाने दीजिए इसका। ये मुद्दा एक पुलिस केस है, आप लोग जरा इससे दूर हो जाएं। आप जिंदा लोगों को तो जीने नहीं देते, मुर्दे के साथ तो अब जाती मत कीजिए। देख लिया, ये है मुर्दा। चलिए अब आप लोग घर जाइए। रुकिए साहब रुकिए। मैंने एक दिन पहले लीला को पोस्ट ऑफिस वाली बिल्डिंग के पास पिंटू के साथ में जाते हुए देखा था। चलिए अब आप लोग घर जाइए, मैं आपके जीते जागते मुर्दे को बहुत जल्द पकड़ने वाला हूँ। हाँ प्रताप, कुछ पता चला? जी सर, उस नंबर की कॉल डिटेल आ चुकी है जिससे कॉल आई थी सर, पर वो नंबर तो लीला की आईडी पर है सर। कौन है जो लीला के अलावा लीला का नंबर इस्तेमाल कर रहा है? लीला सच तो नहीं बोल रही, कहीं रविकांत थी। चलो बैठो निकलते हैं। हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? हाँ लीला इस साइड। कहाँ था तू दो दिन से? तेरा फोन भी नहीं लग रहा है, तेरे घर पे ताला लटका हुआ है। प्रताप। जी सर। इसकी फोटो स्टेट लाओ करा के अभी। जी सर। अभी। सर मैंने पिंटू का अभी मिडवे ढाबे पे देखा है लड़की के साथ। कब? करीब आधा घंटा पहले। इसको देखा है? आया था यहाँ पे? हाँ निकल गया। हाँ प्रताप। सर पिंटू के दोस्त सचिन की लोकेशन मिल चुकी है। तुम पहुंचो, मैं निकलता हूँ। जरी यहीं पे है।
अबे रुक, वो तेरी भतीजा, पकड़ा साले को। शर्मा कहाँ मर गए? अरे छोड़ दो, मैं बेकस जरूर छोड़ दो, मुझे मैं नहीं, छोड़ दो साहब जी, पिंटो छोड़ दो साहब जी, छोड़ दो, मैं क्या कसूर था, मैं बेकस हूँ सर, मैंने क्या किया, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं बेकसूर हूँ। सागर तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? सर सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आप यहाँ पे आए हो, सोचा आपकी हेल्प कर दूं। क्या सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलती है? चलो लेके चलो इसको, चल। पिंटू। कौन पिंटू? यहाँ कोई पिंटू नहीं है। दरवाजा खोलो, मैं सचिन। रुक आ रहा हूँ। अरे साहब भाग लिया। साहब उठ साले। क्या हुआ साहब, मुझे क्यों पकड़ा है? साहब 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 मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैं बताऊंगा तुझे। साहब मैंने कुछ नहीं किया है। क्या सब? सुजीत और लीला कहाँ है? क्या सब? तेरे खिलाफ पक्के सबूत मिल चुके हैं मुझे। साहब मुझे नहीं पता साहब। तो ये क्या है? साहब लीला मर चुकी है साहब, अभी अभी अर्थी गई थी ना उसकी साहब। सर ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी खातिर पानी करनी पड़ेगी। साले की। चल अंदर लॉकअप में। नहीं साहब, साहब अबे चल। साहब मुझे नहीं पता सुजीत कहाँ है साहब। चलो साहब मुझे नहीं। साहब अबे बोल साहब। बोल जल्दी, बोल बोल जल्दी, बोल साहब। छोड़ दो बता सुजीत कहाँ है, छोड़ दो कहाँ है वो लीला, मुझे नहीं पता। जैन सर, सागर बोल रहा हूँ। हाँ सागर। सर सुजीत की बॉडी मिल चुकी है। अच्छा, पोस्टमार्टम के लिए भेज रहा हूँ। ठीक है भेजो। ओके सर। जैन सर। नहीं सर कुछ नहीं बोला। सुजीत की बॉडी मिल चुकी है, इससे पूछे क्यों मारा उसे। जी सर। बता कहाँ है? सब माफ कर दो। कहाँ है लीला? मर गया, मर गया। बता जल्दी, बता। सब बताता हूँ, सब बताता हूँ। बताना तो तुझे पड़ेगा। सारे एक बार से सुनिए सर। बता जल्दी, बता। सब रुकवा, सब बताता हूँ। हुई तसल्ली तेरी? जी सर। अब बता सब कुछ। सब उसने मुझे और लीला को संबंध बनाते हुए देख लिया था सब, लेकिन मेरा उसको मारने का इरादा नहीं था सब। पता नहीं साहब उसकी मौत कैसे हुई साहब, पता नहीं था, मुझे मत मारो साहब। जल्दी बता लीला कहाँ है? अब मुझे नहीं पता साहब। साहब साहब लीला, लीला सामने बस स्टॉप पर मेरे दो दोस्तों के साथ मेरा इंतजार कर रही है साहब, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। चल मैं उठ। ये पिंटू कहाँ रह गया? मुंह छुपा के रख, पुलिस वाले घूम रहे हैं बाहर। राठौड़ उस बस को देख, जाके उस बस को। हाँ ठीक से चेक करो, सबको ठीक से चेक करो। तेरी बस के ये रहा साला। फिर रविकांत जी से मुझे वो प्यार नहीं मिला जो मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने पिंटू का सहारा लिया। मगर सुजीत ने मुझे और पिंटू को एक साथ देख लिया था। मैंने तो बस उसे समझाने के लिए कहा था, मुझे क्या पता वो उसे मार डालेगा। जैन सर, सागर मौर्य स्पीकिंग सर। सर सुजीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। सर पोस्टमार्टम के मुताबिक सुजीत की मौत पिंटू की मार से नहीं बल्कि जहर के कारण हुई है। आपको भेजता हूँ सर, चेक कीजिए। पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कुछ और ही कह रही है लीला। सुजीत की मौत पिंटू की पिटाई से नहीं
जहर से हुई है। मैंने उसे पानी में जहर दिया था। अब मुझे ये बता, पिंटू को क्यों फंसाना चाहती थी? सर वो रविकांत जी के पैसे। तो सारा मामला पैसों का है। सर वो रविकांत जी के 2 करोड़ रुपए घर पे रखे हुए थे, जिसके बारे में पिंटू को मालूम हो गया था, और मुझे उन्हीं पैसों का लालच देके अपनी तरफ कर लिया। नहीं नहीं नहीं, तो पिंटू के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना लगाना चाहती थी और पिंटू तुझे रास्ते से हटाकर। पर राज सिर्फ इतना ही नहीं, कोई तीसरा भी शामिल है तेरे इस घटिया खेल में। है कोई तीसरा? ये तीसरा फोन भी मुझे तेरी आईडी पर मिला, और इसी से फोन करके मुझे किसी ने बताया कि तब तू नहीं कुछ और ही है, और ये मुझे इसी थाने से मिला है। अब सब कुछ तो अपने मुंह से बताएगी या हमसे और मेहनत कराएगी? हाँ, है कोई तीसरा भी? चल निकालता हूँ तुझे, कुछ पैसों का इंतजाम कर ले। जल्दी कर यार, परेशान हो गई हूँ। पैसे का इंतजाम मुझे अकेले से होगा? तू अकेली है? अकेली है तू? मैं और वो कौन? पिंटू। तो तेरी नजर पिंटू पे है? मेरी नजर पिंटू पे की तेरी नजर पिंटू पे है? हा? मतलब कि फंसेगा पिंटू और ऐश करेंगे हम दोनों? प्लान तो कामयाब करना है, पिंटू को बीच में लाना पड़ेगा। पैसा उड़ाएंगे हम और इल्जाम आएगा पिंटू पे। और सब आज भी उसी की चाल से चल रहा है। मुंह मत खोलियो, मामले को पिंटू और सुजीत के बीच में उलझा के रख। पैसा मेरे पास आ चुका है, मौका मिलते ही तुझे यहां से उड़ा ले जाऊं। मुंह मत खोलना, बस मौज करेंगे। अगर जरा भी मुंह खोला ना तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं सारा नहीं, बहुत भाग चुका। बहुत भाग लिया सागर, अब तेरा खेल खत्म हुआ। सर मैंने कुछ नहीं किया। तूने? सर मैंने कुछ नहीं किया। तूने तो बहुत कुछ किया है सागर, पूरे डिपार्टमेंट की नाक कटा दी। कुछ नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया तूने? कुछ नहीं किया तूने? बताता हूँ। नहीं किया तूने? बता। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। मैंने किया सर, पर रविकांत के कहने पे किया मैंने ये सर। रविकांत जी को अपनी बीवी और पिंटू के बारे में सब पता चल चुका था सर। बताता हूँ सर। रविकांत को पता था सुजीत को किडनैप किसने किया? नहीं नहीं सर, मैंने और लीला ने उसे भनक तक नहीं लगने दी। इसका मतलब पिंटू तेरे जाल में फंसकर लीला के हाथों मरने वाला था? अगर उसे लीला ना मारती तो तू मारता? सर इसके बारे में नहीं पता था मुझे, इसके बारे में और कुछ ना। तेरे इस प्लान के ऊपर तेरा एक और मास्टर प्लान है क्या, जिससे सिर्फ तुझे ही फायदा होने वाला था, क्योंकि तुझे छोड़कर उसमें बाकी सब फंसने वाले थे। कानून की नजर में कोई मारा जाता और कोई भाग जाता है? चल तुझे तेरी सही जगह पहुंचा दूं।